साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबके बात सच के साथ। साथियों फिलहाल मैं लोहारी जाटू गांव में मौजूद हूँ और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है प्रदीप नरवाल और उन्होंने डोर टू डोर अभियान चाय पाने कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो काफ़ी जनसमर्थन मिल रहा है, तो बातचीत करेंगे। प्रदीप भाई जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और कैसे, ठीक हो? बहुत अच्छा भाई। आपने लगभग सभी गाँव कर दिए हैं कवर, तो कैसा रिस्पॉन्स मिला? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारे बाबाओं का, दादाओं का, बुजुर्गों का, युवा साथियों का भरपूर प्यार मिल रहा है और मुझे इससे एक बात साफ हो गई है, भाजपा ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया मेरे खिलाफ जी। कभी वीडियो एडिट करके, कभी कुछ करके, इन्होंने सारे फैल कर दिए हैं जी। सारा भाईचारा, सारे बड़ों का आशीर्वाद बड़ों के सिर पे हाथ आ गए हैं और ये चुनाव मेरे बड़े लड़ रहे मेरे लिए, मेरे साथी लड़ रहे मेरे लिए। ये चुनाव ही नहीं गया है जी। मैं तो अभी आया चुनाव लड़ रहा हूँ, लड़वा तो ही रहे हैं ये चुनाव। मुझे जनता, मेरे बड़े, मेरे बड़ों का आशीर्वाद, मेरे युवाओं का साथ, यही भाई चुनाव लड़वा रहे हैं और ये जीत के आएंगे सारे। प्रदीप भाई जैसा क्या जादू मंत्र हमारा, लोग पहले तो भारी भारी बोल रहे थे, अब तो लोग खुद ये कहने लगे प्रदीप भारी नहीं, भारी है, सब पे भारी है। प्यार है इन सारे साथियों में, प्यार है। अरे यार टिकट से पूछा जी है, ये सारे अपने अपने टिकट मान के लड़ रहे हैं, सब ने आशीर्वाद दे दिया है, मेरे बड़ों ने मजबूती चुनाव लड़ेंगे, जीत के आएंगे भाई। जो आजकल के युवा ना नशे के लिए पड़े हुए हैं और हरियाणा बहुत ज्यादा नशा बढ़ा हुआ है, तो प्रदीप नरवाल के पैठ हाईकमान में भी है, तो प्रदीप नरवाल अगर यहाँ से विधायक बनते हैं, कोई मंत्री बनते हैं, तो नशे को बंद करने के लिए कितना प्रयास करेंगे प्रदीप नरवाल एक युवा होने के नाते? मेरा मानना है युवाओं में शिक्षा और चिकित्सा ये बहुत जरूरी है। हमारे गांव का बच्चा किसी बिरादरी का हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो जाट हो, यादव हो, गुजर हो, नाई हो, खाती हो, द्वार सुनार कोई भी हो, ऐसी समाज का हो, सबको अच्छी शिक्षा का अधिकार है, सबको मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। मैं तो 36 बिरादरी का बेटा जो भी हो उसको अब सरकार अच्छी शिक्षा मुहैया कराए और हमारे बच्चे नशे से दूर जाए। जी धन्यवाद प्रदीप। साथियों इस वक्त हमारी टीम मौजूद थी बुवाणीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र गांव लोहारी जाटू में, तो यहां पर डोर टू डोर अभियान चलाए हुए थे प्रदीप नरवाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, तो यहां भी अच्छा खासा कार्यक्रम हुआ, प्रदीप नरवाल से भी हमने बातचीत करवाई है। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में अपनी राय अवश्य दें और देखते रहिए देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबके बात सच के साथ। जय हिंद जय भारत।